हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे, अगस्त 20, 2023। इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ में आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक वर्सेस पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक के बिटवीन आज हम डिफरेंस सीखेंगे कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है और किस तरह से इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्टिमिस्टिक से। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है हिंदी में आशावादी, यानी कि ऐसा पर्सन जो हमेशा हर सिचुएशन में आशावादी रहता है, पॉजिटिव रहता है। द ऑप्टिमिस्टिक इज़ बीइंग ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट थिंग्स इन लाइफ। ऑप्टिमिस्ट बिलीव इन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। दे आर ऑलवेज हैप्पी एंड सी द ग्लास एज हाफ फुल, एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स टू हैपन। आशावादी, आशापूर्ण। तो ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग ये होता है कि द ऑप्टिमिस्टिक इज बीइंग ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट थिंग्स इन लाइफ, हमेशा जीवन में पॉजिटिव रहना, टू ऑलवेज एक्सपेक्ट पॉजिटिव थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ, मतलब हमेशा जीवन में पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना और ऐसा दृष्टिकोण और सोच रखना कि जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। ऑलवेज पॉजिटिव। ऑप्टिमिस्ट बिलीव इन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, जो पर्सन होता है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की पावर में बिलीव करता है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाती है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। नेगेटिव थिंकिंग से सिचुएशन और वर्स होती है। तो यू हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। दे आर ऑलवेज हैप्पी एंड सी द ग्लास एज हाफ फुल। ये हमेशा, ये इस पर्सनैलिटी के लोग हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा ग्लास हाफ फुल वाली जो है थिंकिंग, एस्पेक्ट, पर्सपेक्टिव रखते हैं। वो एक फेमस सेइंग सुनी होगी ना आपने कि आपका ग्लास आधा खाली है ये मत देखो, आपका ग्लास आधा भरा हुआ है ये देखो। तो ऑप्टिमिस्टिक जो पर्सनालिटी है वो इसी तरह की एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू रखती है अपना लाइफ में कि ग्लास जो है वो हाफ फुल है, हाफ खाली है ये मत देखो कि हाफ एम्प्टी है, ये देखो कि आपका ग्लास हाफ फुल है। तो इसका मीनिंग होता है कि हमेशा ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव इन लाइफ, ऑलवेज एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव थिंग्स टू हैपन इन लाइफ, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिनोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। होपफुल, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, चीयरफुल, हैप्पी, सेंग्विन, एक्सपेक्टेंट और एनकरेजिंग। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। जो आशावादी होता है, जो पॉजिटिव होता है टुवर्ड्स द लाइफ, टुवर्ड्स द सिचुएशन हैपनिंग इन लाइफ, वो हमेशा हर प्रॉब्लम में भी एक अपॉर्चुनिटी को देखता है। ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी परेशानी आती है उसमें भी वो पॉजिटिव रहता है और ये चेक करता है, ये देखता है कि इसमें भी क्या कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई अवसर है। Now let's talk about the example sentences of optimistic. Sentence number one is, he has an optimistic view of the company's future. यानी कि वो कंपनी के फ्यूचर को की तरफ उसका जो व्यू है वो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, पॉजिटिव है। वो ये सोचता है कि जो कंपनी का भविष्य है वो बहुत ही अच्छा होगा, पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल होगा। तो इस तरीके से वो अपनी कंपनी के फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है कि जो भी होगा कंपनी में बहुत अच्छा होगा और कंपनी का भविष्य बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा।
सेकेंड सेंटेंस इज जॉर्ज इज ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑलवेज सी द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन. तो सेकेंड सेंटेंस ये कि जॉर्ज जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, एंड ऑलवेज सी द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन, यानी कि वो हर सिचुएशन में सिर्फ बेस्ट चीज़ को ही देखता है. इसका एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं. मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, टू व्हीलर से, और आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपके हाथ और पैर पे चोट लग जाती है, लेकिन आपका जो फेस है और जो आईज़ हैं बिल्कुल सही सलामत है. तो जो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होगा वो इस सिचुएशन में ये कहेगा कि थैंक गॉड कि मेरा फेस बच गया, मेरी आईज़ बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुई, अदरवाइज़ मैं ब्लाइंड हो जाता. और वो हमेशा मतलब हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखेगा कि हाँ चलो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मेरी जान नहीं गई, सिर्फ मुझे छोटी मोटी चोट लगी है हाथ और पैर पर और गाड़ी को लगी है, बाकी वो खुद प्रॉपर सही सलामत है. तो पॉजिटिव पर्सन जो होता है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन जो होता है, वो वर्स्ट सिचुएशन में भी बेस्ट चीज़ देख के एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है. ही कैन नेवर बी नेगेटिव. चलिए देखते हैं थर्ड सेंटेंस इज ही इज़ नोन फॉर हिज ऑप्टिमिस्टिक कैन डू एटीट्यूड. यानी कि वो अपने ऑप्टिमिस्टिक कैन डू एटीट्यूड के लिए जाना जाता है. ही इज़ फेमस फॉर हिज ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड. यानी कि वो आशावादी है. ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग क्या है, वो हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं होता. कोई भी प्रॉब्लम आती है उसमें भी वो एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव टुवर्ड्स द लाइफ. तो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड की ये एक तरीके से डेफिनेशन होती है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड वर्ड पेसिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक का मीनिंग है निराशावादी. हमने अभी ऑप्टिमिस्टिक देखा, उसका मतलब क्या है, आशावादी. और पेसिमिस्टिक क्या क्या मीनिंग है, निराशावादी. पेसिमिस्टिक जो पर्सनालिटी होती है वो ऑप्टिमिस्टिक के बिल्कुल ऑपोजिट होती है. जहाँ एक तरफ ऑप्टिमिस्टिक जो है वो हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है और हमेशा अच्छी चीज़ों को ही अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करता है, ऑलवेज थिंकिंग गुड थिंग्स टू हैपन इन लाइफ, वहीं ऑन द अदर हैंड पेसिमिस्टिक जो होते हैं, पेसिमिस्टिक मीन्स थिंकिंग दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन और एम्फेसाइजिंग द बैड पार्ट ऑफ द सिचुएशन. इसका मीनिंग है पेसिमिस्टिक जो होते हैं वो हमेशा बैड थिंग्स को सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ों को ही सोचते हैं कि बुरी चीज़ें ही मेरे साथ होंगी और एम्फेसाइजिंग द बैड पार्ट ऑफ द सिचुएशन. एम्फेसाइज का मतलब होता है उस बात पे जोर देना, और वो इस बात एम्फेसाइजिंग द बैड पार्ट ऑफ द सिचुएशन, और हमेशा कोई भी परिस्थिति या सिचुएशन आई है तो उसका जो बैड पार्ट है, जो बुरा हिस्सा है, उसकी तरफ ज़्यादा उनका ध्यान जाता है, रादर देन कि पॉजिटिव रहें और जो गुड अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको देखें. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि बाइक एक्सीडेंट हो गया, तो ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी जो है वो क्या कहेगी कि हाँ अच्छा हुआ कि मेरी जान बच गई, मेरे फेस को कुछ नहीं हुआ. वहीं पेसिमिस्टिक जो है वो बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं रहेगा और हमेशा जो बैड पार्ट ऑफ द सिचुएशन है उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा. जैसे कि अगर पेसिमिस्टिक का एक्सीडेंट हो जाता तो वो ये कहता, हो मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, नुकसान हो गया, मेरे पैर पे चोट लग गई, हाथ पे चोट लग गई. तो एक तरीके से वो जो है ना, वो हमेशा जो नेगेटिव साइड है, जो बैड थिंग है, उसको एम्फेसाइज करेगा, उस बात पे ज़्यादा जोर देगा और उसी सिचुएशन की तरफ अपना ध्यान रखेगा. जबकि ऑप्टिमिस्टिक ने क्या किया था, ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी के पर्सन ने, कि थैंक गॉड कि उसके फेस को कुछ नहीं हुआ, उसकी आईज़ को कुछ नहीं हुआ, वरना वो ब्लाइंड हो जाता, सिर्फ उसकी गाड़ी को छोटी मोटी चोट लगी है और उसके हाथ पैर को. कैरेक्टर ऑफ लैकिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड. यानी कि पेसिमिस्टिक जो पर्सनालिटी का कैरेक्टर होता है
उसमें लैकिंग अ पॉजिटिव आउटलुक, यानी कि जो पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनमें बिल्कुल भी पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द लाइफ नहीं होता है, दे आर ऑलवेज बीइंग नेगेटिव. द टेंडेंसी टू सी द बैड साइड ऑफ थिंग्स और टू एक्सपेक्ट द वर्स्ट इन एनी सिचुएशन, यानी इस तरह के लोगों की टेंडेंसी, पेसिमिस्टिक लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो ये होती है कि हमेशा बैड साइड ऑफ द थिंग्स को देखते हैं, हमेशा जो गलत साइड है, बुरी चीज़ हुई है उसी की तरफ उनका ध्यान जाता है रादर देन द गुड थिंग्स. और टू एक्सपेक्ट द वर्स्ट इन एनी सिचुएशन, और हमेशा हर सिचुएशन में यही सोचते रहते हैं कि कुछ ना कुछ बुरा होगा या बुरा होने वाला है, या कभी भी अच्छाई या पॉजिटिविटी के बारे में नहीं सोचते. Now we will talk about the synonyms of pessimistic. Negative, cynical, hopeless, depressing, gloomy, dark, fatalistic or downbeat. इसके हिंदी meanings हैं निराशावादी, नकारात्मक दिमाग, उदास, निराश और हतोत्साहित. पेसिमिस्टिक के जो सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल्स, उनको देख लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज ही हैज़ एन एक्सट्रीमली नेगेटिव एंड पेसिमिस्टिक एटीट्यूड. तो इस सेंटेंस में बताया गया है किसी पर्सन के बारे में कि उसका जो एटीट्यूड है एक्सट्रीमली नेगेटिव और पेसिमिस्टिक है. एक्सट्रीमली मतलब वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक सोचता है. ही इज़ एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है. पेसिमिस्टिक मतलब कि हर चीज़ में कमियाँ निकालना, कभी भी किसी सिचुएशन या चीज़ की जो है गुड साइड पे कभी भी फोकस ना करना, हमेशा जो बैड साइड है उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करके दिखाना, और हमेशा ये सोचना कि कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है, होने ही वाला है, या कभी यही नहीं सोचते कि जीवन में अच्छा भी कभी हो सकता है. दे आर ऑलवेज बीइंग नेगेटिव. सेकंड सेंटेंस है डोंट बी सच अ पेसिमिस्टिक. इसका मतलब है कि डोंट बी सच अ पेसिमिस्टिक, बिल्कुल भी पेसिमिस्टिक मत बनो, बिल्कुल भी निराशावादी मत रहो, आशावादी रहो कि सब कुछ अच्छा होगा. थर्ड सेंटेंस इज पीपल हु आर पेसिमिस्टिक ऑलवेज सी देयर ग्लास हाफ एम्प्टी रादर देन हाफ फुल. मैंने शुरुआत में ही बताया था कि पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी जो होती, शुरुआत में हमने बात की थी ऑप्टिमिस्टिक की. ऑप्टिमिस्टिक क्या होते हैं? आशावादी. उनका आधा ग्लास अगर भरा हुआ है तो वो इस बात पे फोकस करते हैं कि हमारा आधा ग्लास भरा हुआ है. और वहीं पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी जो है वो ये नहीं कहेगी कि मेरा आधा ग्लास भरा हुआ है, वो ये कहेगी कि आधा ग्लास खाली है. तो पीपल हु आर पेसिमिस्टिक ऑलवेज सी देयर ग्लास हाफ एम्प्टी रादर देन हाफ फुल बिकॉज दे आर ऑलवेज बीइंग नेगेटिव टुवर्ड्स द लाइफ. दे नेवर प्रेज और थिंक एनी थिंग पॉजिटिव अबाउट द लाइफ. दे आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द सिचुएशन. सो आज के लिए बस इतना ही. आज हमने डिफरेंस सीखा बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी, कि इस पर्सनैलिटी के लोगों में, इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है, और इस तरह के लोग किस तरह से लाइफ को देखते हैं, क्या व्यवहार करते हैं. तो हमने सीखा कि ऑप्टिमिस्टिक का जो मीनिंग होता है वो होता है आशावादी, यानी वो पर्सन जो हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है, हमेशा अच्छा होगा यही सोचता है. वाइल अदर साइड पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी जो होती है वो हमेशा ये सोचती है कि कुछ बुरा ही होने वाला है, एंड नेवर प्रेज समथिंग गुड इन देयर लाइफ, ऑलवेज फोकस ऑन द बैड साइड ऑफ द सिचुएशन और थिंग्स. So this is the whole description of optimistic and pessimistic. Hope you understand the both words meaning, synonyms and example and sentences. To learn English vocabulary, please subscribe to my channel Universe is Unique and press the bell icon for upcoming videos.
आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू टुमारो.